जय हिंद नमस्कार। मैं आज आप सबको सिक्किम से कुछ ताज़ा अपडेट दूंगा। 23 जवानों में से 8 जवानों की पार्थिव देह पहले मिल चुकी थी, एक जवान को बचाया जा चुका है। इसके बावजूद 14 जवान मिसिंग थे। 11 अक्टूबर 2023 को खबर आती है कि दो और जवानों का जो पार्थिव देह है वो मिल चुका है। उनका नाम है नायक तावड़े पांडुरंग वामन और CFN मिट्टू कलिता। इसके बाद भी 12 जवान और मिसिंग है। रक्षा मंत्रालय को आगे आके उन 12 जवानों की लिस्ट साझा करनी चाहिए। जब से सिक्किम में बाढ़ आई है, तीस्ता नदी का पानी ओवरफ्लो हुआ था, इसमें कई जवान और गाड़ियां और सिविलियन बह चुके हैं। वहां पे कनेक्टिविटी और संचार के साधन ना होने की वजह से लगातार परिवारों की चिंताएँ बढ़ती जा रही है, और उन सभी परिवारों की चिंताएँ बढ़ती जा रही है जिनके जो परिवार के जवान हैं वो सिक्किम में तैनात हैं। हो सकता है कि कनेक्टिविटी ना होने की वजह से कुछ जवान अपने घर में बात नहीं कर पाए हों, तो उन परिवारों की भी चिंताएं व्यर्थ में ही बढ़ती जा रही है। रक्षा मंत्रालय को आगे आना चाहिए और उन 12 जवानों की जो मिसिंग है उन्हीं का लिस्ट जारी करना चाहिए। परिवार ये भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये जो संख्या 23 थी मिसिंग की, वो 23 ना होके ये संख्या और ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि जो चिंताएं बढ़ती जा रही है, कई परिवार इन चिंताओं में और आशंकाओं में है कि उनका भी बेटा भाई पति पिता जो सिक्किम में तैनात है कहीं वो भी इस हादसे का शिकार ना हुआ हो, क्योंकि 3-4 अक्टूबर 2023 से आज तक उन जवानों ने अपने घर पे बात नहीं की है, इससे ये अंदेशा लग रहा है। अब आप कुछ वीडियोस देखिए, कुछ फोटोज़ देखिए कि सेना वहाँ पे लगातार प्रयास कर रही है कि जवानों को और सिविलियंस को वहाँ पे बचाया जाए, जो दूर दराज के इलाकों में फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए, उनको सही जगह पर राहत कैंपों में पहुँचाया जाए। और साथियों, ये थी आज के लिए ताज़ा अपडेट। आगे जो भी अपडेट आएगी वो आप सबके साथ में ज़रूर शेयर की जाएगी। तब तक बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।